नमस्कार साथियों, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे। आज मैं आप लोगों के सामने जो है एक गुड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो आप अगर आप जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, बहुत सारे सवाल जो है आप लोगों के सामने आ रहा है कि सर मेरा जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम, जब सेकंड मेरिट लिस्ट में आप नाम नहीं आया है आप क्या करेंगे? ये बात जो है एक इम्पॉर्टेंट बन रहा है कि जब भी आपका नाम नहीं आता आप क्या कर सकते। देखिए, इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप थोड़ा सा वेट करें। क्या वेट करेंगे? अगर देखेंगे सबसे पहले जो है हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो है हम अपना नाम देखेंगे, मेरा नाम आया है कि नहीं आया है। अगर नाम नहीं आया है तो क्या, सबसे पहली बात जो है आप लोग थोड़ा सा मेरी बातों को जो है बिल्कुल देखिएगा। अगर आपका नाम नहीं आया है, अगर नाम जो है आपका नहीं आया है, नाम नहीं आया है, नाम अगर आपका नहीं आया है, आप जो है सबसे पहले क्या करें, नाम नहीं आने के बाद जो है आप सबसे पहले जो है मेरी बातों को देखें। नाम नहीं आने के बाद जो है स्लाइड अप की व्यवस्था है, स्लाइड स्लाइड अप का जो है आपके सामने जो है प्रोसेस आने वाला है। स्लाइड अप का प्रोसेस आने वाला है, कितने तारीख से है? तो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख है स्लाइड अप होने वाला। अगर मान लीजिए कि अगर आपका फर्स्ट कॉलेज आपने नाम दिया है, फर्स्ट कॉलेज में नाम नहीं आया, सेकेंड कॉलेज में जो है आपका नाम नहीं आया है, तो आप जो है स्लाइड अप कर सकते हैं। आप जो है स्लाइड अप जो है कर सकते हैं, स्लाइड अप करके जो है आप एक से दूसरे स्थान पर ला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट कॉलेज का जो है कट ऑफ मार्क्स जो है फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ मार्क्स मान लीजिए 87 है और आपका नंबर जो है 87 86 है, ठीक है, तो पहले कॉलेज का जो है 87 कट ऑफ गया था, आपका 86 है, देख लेंगे कि फर्स्ट कॉलेज का जो है फर्स्ट में नाम दे देंगे, उसके बाद सेकंड का नाम दे देंगे, उसके बाद थर्ड का। अगर मान लीजिए कि थर्ड पे जो है कट ऑफ गया है मान लीजिए कितना, तो कट ऑफ गया है मान लीजिए 50 और आपका नंबर है कितना 86, फर्स्ट वाले थर्ड वाले को जो है फर्स्ट में आप लाकर जो है कॉलेज को छोड़, उस कॉलेज में जो है आपका एडमिशन जो है आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप स्लाइड अप का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है संभवतः कि आपका जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है नाम, सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो है नाम आपका, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है फिर तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो आप क्या, तो आप जो है वेट करेंगे प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का जो है आप लोग वेट करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में जो है आपका क्या होगा एडमिशन। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज जो है एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में अगर नहीं लेना चाहते हैं तो जो है 2025 के लिए जो है आप तैयारी में जुड़े। प्राइवेट कॉलेज जिन बच्चों को चाहिए वो जो है वेट करेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है कब प्रकाशन किया जाएगा, तो फर्स्ट कॉलेज का प्रकाशन जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है प्रकाशन, अगस्त के कौन से वीक में, फर्स्ट वीक में जो है आपका प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो आप आसानी से जो है वहां से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप आसानी से जो है एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल घबराइएगा मत, सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो स्लाइड अप कर सकते हैं, एक ऑप्शन आया है स्लाइड अप का, तो स्लाइड अप आप कर सकते हैं। अगर स्लाइड अप के बाद भी जो है आपका एडमिशन नहीं होता है फिर आप जो है प्राइवेट कॉलेज में ले लीजिएगा, लेकिन जो है घबराइए मत, एकदम धैर्य बनाकर रखेंगे और थर्ड भी मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा, अगर सीट बचता है तो सेट थर्ड मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा, अगर सीट नहीं बचेगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं किया, तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखेंगे। अब मेरी बातों को जो है आप अच्छे से समझेंगे तो आशा मैं करता हूं कि आपका जो है एडमिशन जो है हो सके। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, थैंक यू सो मच।